हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो, कैसी हो रश्मि? कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, ये नंबर भी फ्लैश नहीं हो रहा होगा। रश्मि चौधरी कभी ढूंढ नहीं पाओगी मुझे। तुमने मुझे धमकी देने के लिए फोन किया है? नहीं नहीं, धमकी नहीं, शुभचिंतक हूँ तुम्हारा, बस एक फरिश्ता समझ लो। ये जो तुम अपने लैपटॉप पे तस्वीरें देख रही हो ना, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या कर रही हूँ? मुझे सब पता है। कहने को तुम एनजीओ वाली समाज सेविका हो, पर हर इंसान की तरह तरक्की की सीढ़ी चढ़ना चाहती हो और तुम मुझे खरीदना चाहते हो। अब तुम वो सेठ की फैक्ट्री में वो क्या कहते हैं, स्टिंग ऑपरेशन कर लिया, तस्वीरें ले ली चोरी छुप कर। चलो कोई नहीं, तुम जीती सेठ हारे। अब सेठ की हार कबूल करो और अपना अमाउंट बोल दो, लेकिन हाँ थोड़ा सोच समझ कर, मुंह उतना ही खोलना जितने में दोनों का फायदा हो। थक गया है अपनी बीवी से, दरअसल थक गया है कहना बहुत कम होगा, बल्कि अब उसकी बीवी उसके लिए बर्दाश्त की हद से बाहर हो गई है। ये शादी अब उसके लिए सिर्फ टॉर्चर है। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई है, ये औरत खुद से उसके जीवन से नहीं निकलने वाली, उसे उसको निकालना होगा और उसका एक ही तरीका है, उसे अपनी बीबी का मर्डर करना होगा। अब यहां से पूरी कहानी परफेक्ट मर्डर के प्लानिंग के बारे में है। और हम कोई सोशल मैसेज नहीं दे रहे, क्राइम नेवर पेज वगैरह, हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये कैरेक्टर अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करता है। आशीष, इस कैरेक्टर को निभाने और समझने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों भाई? क्योंकि इस अजय के कैरेक्टर को खुद से जोड़ पा रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मानो इस अजय के कैरेक्टर के नस नस से वाकिफ हूँ मैं। बॉस, मुझसे बेहतर इस रोल को कोई कर ही नहीं सकता। थैंक्स। और सुन, चूंकि तुम मेरा दोस्त है इसलिए खुल के बता रहा हूँ, अपना बिल्कुल ना के बराबर बजट। कोई बात नहीं आशीष, बजट नहीं होगा तो भी मैं इस रोल को करूँगा, क्योंकि ये रोल तो लिखा गया ही मेरे लिए। थैंक्स। अच्छा सुन, फीमेल लीड के लिए तू गायत्री को मना लेगा? वाइफ के लिए? हाँ यार, प्रोजेक्ट को वेटेज मिलेगा, और वैसे भी आजकल टीवी पे छाई हुई है तेरी। अरे नहीं यार, वाइफ के रोल के लिए नहीं, उसका मर्डर मैं कैसे कर सकता हूँ। एक परफेक्ट जुर्म की पटकथा लिखी गई थी, एक परफेक्ट जुर्म को अंजाम दिया जाने वाला था। सारे किरदारों को एक जैकपॉट की ख्वाहिश थी, एक ऐसा जैकपॉट जो उन्हें अपनी मंजिलें दिलाता और वो भी जल्दी। The number you have called is currently switched off. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। रश्मि दीदी, कहाँ हो तुम? कौन से सीक्रेट ऑपरेशन में लगी हुई हो? फोन करो ना, बात करनी है। तुम मुंबई आ रही हो क्या? हेलो जीजू, मैं खुशबू बोल रही हूँ। सबसे पहली बात खुशबू, तुम मुझे जीजू बुलाना बंद करो, अब मैं तुम्हारा जीजू नहीं हूँ। हाँ ओके सॉरी। निखिल, निखिल आपको पता है दीदी कहाँ है? मुझे क्यों आइडिया होगा कि तुम्हारी रश्मि दीदी कहाँ है, और वो कहाँ गई है जान के भी मैं करूँगा क्या? तुम शायद भूल रही हो कि 3 साल हो गया तुम्हारी रश्मि दीदी को और मुझे अलग होके, तो उसके ठिकानों के बारे में मुझे कैसे पता होगा? वो क्या है ना जी निखिल, 4 दिन से दीदी का फोन नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूँ? प्रताड़ित एक्स हस्बैंड हूँ उसका, उसका सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ मैं, समझी? हेलो जयदेव अंकल, खुशबू बोल रही हूँ। हाँ खुशबू बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। रश्मि दी कहाँ है? रश्मि? मुझे नहीं पता बेटा रश्मि कहाँ है। अंकल वो आपकी किरायेदार है। किरायेदार थी बेटा, लेकिन वो कुछ दिन पहले मकान खाली करके चली गई, उसके साथ सेटलमेंट हो गई, फाइनल डील भी हो गई। मैंने जो उसे फाइनल ऑफर दिया था वो उसने मान लिया और मकान खाली करके चली गई। ऐसे कैसे? दीदी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं और मकान खाली कर दिया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, ये तुम्हारे और तुम्हारे रश्मि दीदी के बीच की बात है।
रश्मि चौधरी उम्र 29 कहां चली गई थी, कहां थी इस वक्त, ये उसके इर्द गिर्द किसी को पता नहीं था। अपनी बहन का पता लगाने रश्मि की छोटी बहन खुशबू चौधरी मुंबई से लखनऊ पहुंची। 20 जुलाई का मेल है तुम्हारी दीदी का, मुझसे मकान मालिक जयदेव भल्ला के खिलाफ केस वापस लेने के लिए कहा। हाय आशुतोष, मेरी जयदेव भल्ला के साथ फाइनली सेटलमेंट हो गई है, तो तुम प्लीज तुरंत केस वापस लेने की अर्जी डाल दो। मैं तुम्हारी फीस आज ही तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ। अगले हफ्ते की डेट मिली अर्जी डालने के लिए। आशुतोष जी, पर रश्मि दीदी कहाँ पर है? मुझे भी नहीं पता खुशबू, कब से उसका फोन ही बंद आ रहा है। मैंने तो उसके एनजीओ के बॉस विक्रम से भी बात की, उन्हें भी कोई आइडिया नहीं। उन्हें रश्मि ने एक मेल किया बस कि कुछ काम से कहीं जा रही है, कुछ समय के लिए कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगी। और दीदी ने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा यहाँ हो क्या रहा है। दरअसल जयदेव जी के साथ जो सेटलमेंट हुई ना उसकी, वो रश्मि के बॉस विक्रम के थ्रू ही हुई थी। ये रहा रश्मि का ईमेल। हे विक्रम, कुछ बड़ा हाथ लगा है। बड़ा मतलब बहुत बड़ा। अभी ज्यादा नहीं बता सकती, मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, इसमें अच्छा खासा टाइम जाने वाला है। फ्री होकर सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगी। 20 जुलाई को ये ईमेल मेरे पास आया, इसे मिलते मैंने रश्मि को फोन किया था, लेकिन उसका फोन बंद हो चुका था। तुम तो जानती हो अपनी बहन को कैसे किसी काम के सिलसिले में जब भी कहीं जाती है हफ्तों हफ्तों गायब रहती है। लेकिन खुशबू एक बात तो तय है कि 20 जुलाई को उसने जयदेव भल्ला का मकान खाली कर दिया था। अगर 20 तारीख को दीदी ने जयदेव अंकल का मकान खाली किया तो उसके बाद वो कहाँ रह रही थी? और 23 को मैंने उन्हें फोन किया, उनका फोन बंद आ रहा था। घर खाली करने के बाद वो डायरेक्टली ऑपरेशन पे तो नहीं गई होंगी? उनका सारा सामान कहाँ है? खुशबू ये तो मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि फोन बंद था उसका। दीदी का जयदेव अंकल के साथ अचानक सेटलमेंट कैसे हो गया? कुछ अजीब सा लग रहा है। निखिल को नहीं पता दीदी कहाँ है, आपको नहीं पता दीदी कहाँ है, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो उसकी बहन हो, जब उसने तुम्हें तो कुछ नहीं बताया तो बाकी किसी को बताने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। रश्मि चौधरी का कुछ पता नहीं चल रहा था और उसकी छोटी बहन खुशबू चौधरी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसकी रश्मि दीदी बिना उसे बताए ऐसे कहीं जा सकती है। खुशबू को शक हुआ कि या तो उसकी बहन का अपहरण हुआ है या फिर उसे जबरन कहीं रोका गया है। रश्मि के इर्द गिर्द कुछ बातें थी जिनकी वजह से उसके लापता होने पर खुशबू को कुछ खटकने लगा था। खुशबू, तुम्हारी बहन रश्मि ने 20 जुलाई को दो ईमेल्स भेजे, एक अपने लॉयर आशुतोष को और दूसरा अपने बॉस विक्रम सहगल को। दोनों मेल अपनी आईडी से भेजे, तुम्हें लगता है दोनों फर्जी हैं? ईमेल्स फर्जी हो सकते हैं क्योंकि सर मैं अपनी रश्मि दीदी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, हम दोनों बहनें बहुत क्लोज हैं, और इस तरह फोन बंद करके कहीं चले जाना, वो भी मुझे बिना बताए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मकान मालिक जयदेव भल्ला ने बताया कि तुम्हारी बहन सारा सामान लेके घर खाली करके कहीं चली गई। अगर मकान खाली किया तो कहाँ गई, और वो भी मुझे बिना बताए, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकती। रश्मि पिछले 2 सालों से मेरे मकान नंबर 12 में किराए पर रह रही थी, बगल में मेरे 3 और मकान है वो भी किराए पे थे, तीनों ने पैसे लिए और खाली कर दिए, लेकिन रश्मि की मांग कुछ ज्यादा ही थी, वो खाली कर ही नहीं रही थी। मैं तुम्हारा यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ रश्मि। मैंने बोला था ना जयदीप जी आपसे कि शायद मैं लेट हो जाऊंगी, आप ही जल्दी आ गए। पानी? नहीं, 20 लाख, सिर्फ और सिर्फ 20 लाख, मैं तुम्हें इतने ही दे सकता हूँ, इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं। जयदेव जी, आपके चारों मकानों पर बिल्डर कम से कम 6 फ्लोर की 2 बिल्डिंग्स बनाएगा और उसने आपको पूरे 60 करोड़ ऑफर की, गलत बोल रही हूँ? गलत कर रही हो तुम रश्मि, जो खाली नहीं कर रही हो। बाकी तीनों कैसे मान गए 20 में? और मुझे जितने भी पैसे मिले उसे तुम्हें क्या, जमीन मेरी है, तुम सिर्फ किराएदार हो। ये जो आप मेरी जमीनें बोल रहे हैं ना सीना चौड़ा करके जयदेव जी, मैं उसकी बाल की खाल करके निकाल सकती हूँ कि जमीनें हासिल करने में आपने कितनी मुठ्ठियां गर्म की। सोशल वर्कर समझ के मैंने तुम्हें मकान किराए पे दिया था, पक्का काउंटर तक नहीं बने, और अब तुम मुझे धोखा दे रही हो। कैसा धोखा? सोशल वर्कर है तो क्या हवा में सोएंगे? 1 करोड़ तो मांग रही हो? हाँ कहिए, अभी साइन करते हैं। फिर वही 1 करोड़? तुम गलत कर रही हो रश्मि। जयदेव जी, आपके बाकी सारे मकानों का डील सस्ते में हो गया, आपको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़े, मैं तो बस थोड़ा सा ज्यादा मांग रही हूँ, आपके 60 करोड़ में से 1 करोड़, 59 तो फिर भी आपके पास है, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ धोखा कर रही हूँ। पूरे 1 साल तक रश्मि ने कोर्ट के चक्कर कटवाए मुझे,
मैंने कई बार उसके वकील आशुतोष और उसके एनजीओ के बॉस विक्रम से कहा कि सेटलमेंट करवा दे। आखिरकार विक्रम जी ने कुछ 45 लाख में सेटलमेंट करवा दी, तब जाकर उसने सिविल केस वापस लिया, पैसे लिए और मकान खाली कर दिया। 45 लाख? आपने दीदी को 45 लाख दिए और दीदी ने मुझे ये बताया तक नहीं और यूं ही कहीं चली गई, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम और तुम्हारी दीदी एक दूसरे को क्या बताती है क्या नहीं बताती है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा सारा पेपर वर्क तैयार है। चाबी हैंड ओवर की रश्मि? इतनी तमीज कहाँ रश्मि में सर, मैं 20 तारीख को पूछने गया था उसे कि चाबी कब दे रही है। जयदेव जी, चाबियां मैंने रख दी हैं और मैंने पूरा मकान खाली कर दिया है, अपना सारा सामान लेके जा रही हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट जयदेव जी। अब आप ही बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा वो लड़की कहाँ चली गई? उसके बाद तो मेरा मन ही नहीं हुआ उसे फोन करने का, सोचा चलो अच्छा हुआ भला टल गई। सर, दीदी ने इनको चिट्ठी भेजी, आशुतोष जी और विक्रम जी को ईमेल्स भेजे, लेकिन मुझे एक सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज तक नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? जब मिलेगी तो पूछ लेना अपनी दीदी से, मुझे पूछने से क्या फायदा। लेकिन मेरी बहन कहाँ है? जयदेव जी, घर की चाबी दीजिए, हमें तलाशी लेनी। हाँ मैम, जयदेव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 17 जुलाई को उन्होंने मुझे 45 लाख कैश दिए थे जो मैंने उसी दिन रश्मि को दे दिए थे। लेकिन विक्रम जी, आपके थ्रू क्यों? जयदेव भल्ला ने कैश डायरेक्टली रश्मि को क्यों नहीं दिया? मैम, जयदेव जी रश्मि से बहुत चिढ़े हुए थे, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। रश्मि ने पूरे 1 साल तक उनको कोर्ट के चक्कर कटवाए थे, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने रश्मि को समझाया और 45 लाख में मनाया था। ये रहे तुम्हारे 45 लाख, गिन लो। विक्रम, मेरे वकील आशुतोष से ज्यादा भरोसा करती हूँ तुम पे, वो तो मुझे 25 पे सेटल करने के लिए कह रहा, लेकिन तुम्हारी वजह से कम इतने तो मिले मुझे। लेकिन अगर मैं अड़ी बैठी रहती ना तो उसे मुझे 1 करोड़ तो देने पड़ते। अगर तुम अड़ी रहती ना तो तुम केस हार जाती, तुम्हारे एडवोकेट ने भी यही बताया था ना तुम्हें? हाँ बताया था, फिर मैं हाईकोर्ट पे अपील करती, लेकिन छोड़ते नहीं। मैंने उसे 45 लाख दे दी, फिर 2 दिन के बाद उसने मुझे बताया कि उसे रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह मिली है, वो वहाँ शिफ्ट हो रही है। मैंने उसे डिटेल्स पूछी तो उसने मुझे बोला कि ऑफिस में आके बताएगी, बस उसके बाद उसका ये मेल आ गया कि कुछ बहुत बड़ा हाथ में लगा है। मैंने जानने की कोशिश भी की लेकिन तब से उसका फ़ोन बंद है। बहुत बड़ा कुछ हाथ लगा है, मतलब एनजीओ से रिलेटेड? हो सकता है। मैम, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारा एनजीओ समाज से जुड़े काम तो करता ही है, साथ में हम लोग बचाव यानी रेस्क्यू ऑपरेशंस भी करते हैं। मतलब ट्रैफिकिंग? जी, ट्रैफिकिंग, बाल मजदूरी। मैम, पिछले साल हमें ये 2 अवार्ड्स भी मिले हैं। लेकिन अपने बहन को बिना बताए ऐसे रश्मि जा कहाँ सकती है? मैम, सच कहूँ तो मुझे भी बात काफ़ी अजीब लग रही है। मैं इन दोनों बहनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इनके पेरेंट्स तो बचपन में ही गुजर गए थे। रश्मि ने बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी करी थी और उसके बाद खुशबू को भी पढ़ाया था, तो रश्मि इतनी बड़ी बात खुशबू को ना बताए और कहीं चली जाए, ये हो नहीं सकता। मैम, सर, रश्मि के फोन की लास्ट लोकेशन उसी के एरिया गिरिधर नगर की थी जहां 20 जुलाई 2017 को उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था। फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसने किसी स्टेट एजेंट या ब्रोकर को कॉल किए? 444-891-351, जिस पर 2 जुलाई को बात हुई। ये नंबर निखिल आचार्य का है। उसका मर्डर मैं कैसे कर सकता हूँ? रश्मि का हस्बैंड जो मुंबई में रहता है। रश्मि का हस्बैंड? लेकिन खुशबू ने तो हस्बैंड के बारे में कुछ बताया ही नहीं। सर, 3 साल पहले अलग हुए थे और रश्मि ने इसे भी कोर्ट तक घसीटा था, घरेलू हिंसा का केस किया था इसके खिलाफ। That's right, man. रश्मि का केस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। मैंने उसे समझाने की कितनी कोशिश की कि केस विड्रॉ करो, आगे बढ़ो, जितना मिल रहा है उसमें मान जाओ, लेकिन नहीं, अब केस लंबा खींचा और पता चला कि बिल्डर ही पीछे हट गया तो 20 भी नहीं मिलेगा। मैं तो 25 दिलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रश्मि का बॉस विक्रम, उसने अच्छी डील करा दी और केस वापस हो गया। और ये डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस उसके हस्बैंड के खिलाफ 3 साल से चल रहा है। अब शांति और समझदारी से अलग नहीं हुए रश्मि और निखिल। मैंने कहा भूल जाओ, लेकिन लोग भुला ही नहीं पाते। रश्मि भूलने को तैयार ही नहीं है। वो कहती है कि अगर मैंने केस वापस ले लिया तो उन तमाम औरतों का क्या होगा जो केस लड़ ही नहीं पाती हैं। इसीलिए वो अपने पति निखिल के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस वापस नहीं ले रही है। एक केस खत्म हुआ और साथ में मिला कैश, और दूसरा केस अभी भी लड़ रही है अपने सेपरेटेड हस्बैंड के खिलाफ। सर, कितनी अजीब बात है, ये रश्मि अचानक से गायब हो जाती है किसी को बिना बताए, वो भी 45 लाख मिलने के बाद। सुप्रिया, हो सकता है खुद से गायब ना हुई, किसी ने शातिर प्लानिंग के तहत गायब कराया।
ऐसा लगता है उसकी पत्नी गायब नहीं हुई है, वो खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। उसने लोगों को तैयार कर लिया है तो वो ये कहेंगे कि कुछ गड़बड़ नहीं है। आखिर पुलिस भी तो कुछ साबित नहीं कर पाती, पर पुलिस लगी रहती है, कहती है बहुत ही बारीक प्लानिंग हुई है, एक परफेक्ट क्राइम की कोशिश हुई। सर खुशबू ने ये मिसिंग वाले इश्तिहार दिया है अखबार में, उसने सुबह कॉल किया था और उसका कहना है कि उसे डाउट है कि रश्मि के साथ कहीं कुछ गलत हुआ है। लेकिन इस डाउट को टटोलने के लिए हमारे पास कोई सुराग भी नहीं। कुछ तो हुआ है, एक सोशल वर्कर का इस तरह अचानक गायब हो जाना या अंडरग्राउंड होना, क्या वजह हो सकती है? मेरे बंदों ने लखनऊ के सभी छोटे बड़े ब्रोकर्स को कांटेक्ट किया, लेकिन किसी के पास भी इस रश्मि चौधरी का ना फोन आया ना कुछ। 45 लाख कैश था उसके पास, छोटी रकम नहीं होती। और खुद से गायब होने की कोई वजह भी तो नहीं थी, और अगर कुछ है भी तो फोन रिकॉर्ड्स में दिख नहीं रहा। मुझे दो बातें समझ में आ रही है। पहला तो रोकड़ा कि किसी ने 45 लाख रुपए के लिए इसे गायब कर दिया और मारवार भी डाला, और दूसरा कारण हो सकता है बदला कि किसी का नुकसान करवाया इस एनजीओ मैडम ने, बंदे ने बदला लेने के लिए गायब करवा दिया मारवार भी डाला। लेकिन उसने लोगों से कहा कि उसे दूसरा मकान मिल गया है, वो शिफ्ट हो रही है। मकान खाली हुआ है मतलब सामान निकला है, पर निकला है तो कब कैसे और गया कहाँ? रश्मि का पति निखिल आचार्य जो मुंबई में रहता है, बरेली हिंसा का केस ठोक रखा है उस पर, क्या उसने कुछ किया? हाँ साहब, वैसे भी कोर्ट केस से छुटकारा पाने के लिए बंदे क्या क्या नहीं करते। मैं काम करता हूँ, मैं अपने अलग अलग बंदों को अलग अलग जगह भेज देता हूँ और आपके कहे हुए हर एंगल पर उन्हें लगा देता हूँ। हाँ, लेकिन पहले ये मकान मालिक जयदेव भल्ला और एनजीओ को टटोल दे। हाँ, मैं जानता हूँ उस औरत रश्मि चौधरी को, तो मुझे ये भी बताया कि वो कहीं गायब हो गई है। उस औरत रश्मि चौधरी पत्नी है आपकी? थी, हम अलग हो चुके। डिवोर्स नहीं हुआ है अब तक आपका, ऊपर से उसने केस किया है आपके खिलाफ, और हमें ऐसे लगता है उसके साथ कहीं कुछ हुआ है। कुछ हुआ मतलब मर्डर? मैंने कहा कुछ हुआ है, मर्डर तो आप कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं मिस्टर निखिल आचार्य? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने बात ही इसी तरह से की। एक काम करिए, जल्द से जल्द लखनऊ आ जाइए। बात आपको करनी है, या तो फोन कीजिए या तो मुंबई आइए। आप खुद चुपचाप चले आएंगे या मुंबई पुलिस से उठवाए आपको? अरे सर सर सर, ऑफिस खोला तो ये हाल मिला ही। सर वो वहां पर खिड़की भी टूटी है सर, लगता है वहीं से वो आए थे। सीसीटीवी वायर काट दी गई है सर, वीआर का सारा फुटेज ले रहे थे सर। मैं तो बोलता हूँ जल्दी से पुलिस को फोन करते हैं, मुझे लगता है ये जो कुछ भी हुआ है ना रश्मि से जुड़ा हुआ है। रश्मि से? जी जयदेव जी बोलिए। मैंने पूरी ईमानदारी से आपको 45 लाख रुपए दिए थे रश्मि को देने के लिए। इसके बावजूद भी सारी दुनिया मुझे फोन करके पूछ रही है उसके बारे में, बिल्डर भी पूछ रहा है कि आखिर माजरा क्या है। देखिए विक्रम जी, अभी मुझे परेशान मत करिए, मैंने आपके और रश्मि के बीच में सिर्फ बातचीत करवाई थी, आगे खुद हैंडल करिए आप। हाँ, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए विक्रम। सर आप मेरी बात सुनिए, मैं अभी अपने ऑफिस में आया, मेरे ऑफिस में चोरी हुई है, प्लीज मेरी बात समझिए, मुझे अभी परेशान मत कीजिए। खुशबू तहकीकात चल रही है, हम खाली हाथ नहीं बैठे, हमें भी लगता है कुछ सीरियस हुआ। सीरियस मतलब सर? खुशबू अभी पक्का नहीं है, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर पहलू में तहकीकात जारी है। हमने सभी पुलिस स्टेशन में खबर भिजवाई है कि पिछले एक महीने में जितनी भी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली हैं उनकी डिटेल्स हमसे शेयर करें। ये सब बहुत अजीब है, पिछले एक साल से मेरी दीदी उस मकान के लिए लड़ रही थी और फिर 45 लाख में मान गई, और फिर बिना किसी से कुछ बताए, किसी से कुछ कहे अचानक मकान छोड़कर चली गई।
सर ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हारी बात सही है पर 45 लाख भी बड़ी रकम होती तो कुछ तो गड़बड़ हुई। अब या तो ये केस पैसों की हेरा फेरी का है या फिर हो सकता है तुम्हारी दीदी से किसी की कोई दुश्मनी रही हो। एनजीओ को कामों को लेकर हम सबसे पूछताछ कर रहे हैं पर पूछताछ एक पॉइंट तक ही हो सकती है। कोई सुराग हो कोई सबूत हो तो ही बात आगे बढ़ सकती है। वैसे हमने निखिल आचार्य को बुलाया लखनऊ। निखिल? ओह माय गॉड। क्या हो खुशबू कुछ जानती हो? सर मैंने निखिल को कॉल किया था मेरी दीदी के बारे में पूछने के लिए कि शायद उन्हें कुछ पता हो लेकिन बहुत ही रूडली बात की उन्होंने मुझसे। मेरे किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया उन्होंने। खुशबू तुम्हारी दीदी का ये सेपरेटेड हस्बैंड निखिल आचार्य आदमी कैसा तुम्हें लगता है वो कुछ कर सकता है? सर कौन क्या कर सकता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि मेरी दीदी कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। जवाद भाई। निलेश बोल भाई क्या खबर है? ये रश्मि चौधरी जो है ये समाज सेवा में थी। अबे तू मुझे बता रहा हो क्या थी? ये बता कहाँ है? कानपुर। कानपुर में? अरे नहीं कानपुर में प्रकाश सेठ है एक चूड़ियों का छोटा सा कारखाना है उसका। महीने पहले तक उसके कारखाने में बच्चे काम करते थे काफी सारे थे। उससे पहले प्रकाश ने खुद सारे बच्चों को वहां से हटा दिया। ये रश्मि जिस एनजीओ के लिए काम करती है वो लोग बाल मजदूर के खिलाफ कुछ तो करते हैं और बच्चों के तस्करी के खिलाफ भी। वही तो। तो इस रश्मि का कुछ कनेक्शन था जिसकी वजह से प्रकाश सेठ ने बच्चों को निकाल दिया? रश्मि ने कुछ किया? क्या किया वो मालूम नहीं लेकिन पक्का वो शामिल थी क्योंकि कई लोगों का नुकसान किया है इस रश्मि मैडम ने। तो इस प्रकाश सेठ का भी काफी नुकसान हुआ होगा और उसी ने इस रश्मि के साथ कुछ कर दिया होगा। ये प्रकाश को देखना बनता है जावेद भाई। तो अब सीधे लग जाए ये पता लगाने में किस प्रकाश सेठ ने किसे सुपारी दी और लाश को कहाँ ठिकाने लगाया। क्या खबरी जावेद का शक सही था? क्या रश्मि का कत्ल हो गया था और उसकी लाश ठिकाने लगा दी गई थी? क्या उसके कत्ल का कारण था उसका काम जिसमें गैर कानूनी बाल मजदूरी से बच्चों को बचाया जाता था या फिर मर्डर का कारण कुछ और ही था कोई पर्सनल एंगल? इस जुर्म की कहानी लिखने वाले ने बहुत मेहनत की थी कोई गुंजाइश नहीं रहने दी थी कि जिससे रश्मि के गायब होने का रहस्य खुल जाए। क्या आप लोगों के पास ऐसे कोई इंफॉर्मेशन थी जिसकी वजह से ये चोरी हुई हो? मैम हमारे तो काफी सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते जो गैर कानूनी एक्टिविटीज का खुलासा करते हैं जैसे बच्चों की तस्करी चाइल्ड लेबर। अभी इस वक्त ऐसे कौन से प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है? मैम सच कहूँ तो अभी तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। दरअसल मैम जैसे ही मैंने ऑफिस की हालत देखी सबसे पहले रश्मि के उस मेल का ख्याल आया। हाय विक्रम कुछ बड़ा हाथ लगा है। बड़ा मतलब बहुत बड़ा। अभी ज़्यादा नहीं बता सकते इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है इसलिए कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाऊँगी लेकिन फ्री होकर सबसे पहले तुम्हें ही फ़ोन करूँगी। थैंक्स रश्मि। तो आपको ऐसे लगता है कि ये चोरी रश्मि के किसी ऑपरेशन से जुड़ी हो सकती है? जी। लेकिन आपने अभी कहा कि आपको ऐसे ऑपरेशन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ नहीं पता मैडम। दरअसल रश्मि के काम करने का स्टाइल ही कुछ ऐसा है हमें ऑपरेशन के ख़त्म होने के बाद ही पता चलता है। मैम रश्मि इस समय मिसिंग है और वो बहुत रिस्क लेती है। हो सकता है चोरी करने वाले को लगा हो कि उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या सबूत रश्मि ने यहाँ छोड़े हो। ये चोरी करवाने वाला प्रकाश सेठ हो सकता है? कानपुर का प्रकाश सेठ। हाँ मैम 6-7 महीने पुराना केस है चूड़ियों की फैक्ट्री है उसकी। रश्मि ने मुझे फोटोज भी दिखाई थी। और हर यूनिट में भर भर के बच्चे पूरे इंडिया से पक्का बहुत सारे बच्चे अगवा किए गए। गुड जॉब। एक काम करते हैं पुलिस को बताते हैं और रेड करवाते हैं। नहीं विक्रम अभी नहीं मैं और भी यूनिट्स की जानकारी और ऐसे सबूत इकट्ठा कर रही फिर एक साथ सब पे छापा डलवाते हैं। अभी कुछ किया तो बाकी यूनिट्स में बच्चों को कहीं छुपा देंगे। पर रश्मि तुम गर्म प्रूफ लेकर आई हो अभी अगर बाद में लेट हो गया बात लीक हो गई तो? मैं और भी चीजें पता लगा रही हूँ मुझे सबके सबको अंदर करवाना है। अरे जानवरों जैसा काम करवाते हैं बच्चों से। देखो तुम फिक्र मत करो देर नहीं होगी और कुछ लीक भी नहीं होगा। पर यह बात लीक हो गई कि रश्मि ने उन पर स्टिंग किया है और रेड पड़ने से पहले रातों रात वहां से सारे बच्चों को हटा दिया गया। इससे तो काफी नुकसान हुआ होगा प्रकाश सेठ का और इसीलिए शायद उसने रश्मि को मरवा डाला हो। मरवा डाला?
मैंने कितनी बार रश्मि से कहा था कि तुम जो भी करती हो पुलिस वालों को और मुझे बताया करो, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। पहले कभी रश्मि इतने लंबे अरसे के लिए गायब हुई है? नहीं मैम, कभी भी नहीं। और आज 14 दिन हो गए। और इस ऑफिस में रात में हुई चोरी के बाद मेरा डर और बढ़ गया है मैम। निखिल आचार्य को मिले हो कभी? रश्मि का सेपरेटेड हस्बैंड। विक्रम सर, हमने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। क्या नहीं सोचा? हस्बैंड वाइफ में बहुत टेंशन थी, सॉरी मैं आपको बताना ही भूल गया। वो क्या बताना था तुम्हें? रश्मि उसे डिवोर्स नहीं दे रही है। 3 साल पहले अलग हुए थे ना वो? जी, लेकिन रश्मि ये चाहती है कि निखिल मान ले कि उसने रश्मि को टॉर्चर किया है, तभी वो उसको डिवोर्स देगी। टॉर्चर? टॉर्चर? थक गया है अपनी बीवी से। दरअसल थक गया है कहना बहुत कम होगा, बल्कि उसकी बीवी अब उसके लिए बर्दाश्त के हद से बाहर हो गई है। ये शादी अब उसके लिए सिर्फ टॉर्चर है। मैं उसके लिए टॉर्चर हूं? घरेलू हिंसा का केस किया तुम पर? 3 साल से चल रहा है, फैसला नहीं आया अभी। और 3 साल में टॉर्चर तो मेरा होता आया है, और उसके पहले का तो खैर। फोन रिकॉर्ड्स, 2 जुलाई को तुमने रश्मि को फोन किया था। तो इससे फोन कॉल की वजह से आपको लगता है कि मुझे पता है रश्मि कहाँ है? अरे खुशबू ने तो कुछ नहीं कहा आपको? रश्मि गायब है, क्या जानते हो उसके बारे में? कुछ नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो औरत अपने पति पर घरेलू हिंसा का झूठा केस डालती है, उसे डिवोर्स देने से इनकार करती है, वो औरत दुनिया में सिर्फ अपने एक्स हस्बैंड को बताएगी कि वो कहाँ है और क्यों गायब है। कमाल है। एक चीज होती है इंस्पेक्टर, लॉजिक। एक हकीकत होती है बदला। तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, वो डिवोर्स दे नहीं रही थी, ये होता लॉजिक। अच्छी पट्टी पढ़ाई उसके वकील ने आप लोगों को। एक्टिंग का भूत था निखिल पर, फिल्मी दुनिया के सपने थे। वो चाहता था कि रश्मि यहाँ का अच्छा खासा करियर छोड़ छाड़ कर उसके साथ मुंबई शिफ्ट हो जाए और वहाँ जाकर फुल टाइम जॉब करे, ताकि खुद निखिल फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर सके। सर यहाँ भी निखिल की कोई स्टडी इनकम नहीं थी। अलग होने का यही कारण? रश्मि को बड़ा अफसोस है कि उसने ऐसे आदमी से शादी की जिसने उसे हर तरह से निचोड़ के रख दिया, फाइनेंशियली, इमोशनली, सब तरह से। और डिवोर्स नहीं दे रही है? जिद्दी है, वो निखिल को उसके किए की सजा दिलवाना चाहती है। ये निखिल कैसे बदला लिया होगा? कुछ करवाया होगा रश्मि के? सर निखिल तो हताश हो चुका है इस केस को लेकर। रश्मि कहती है कि वो तो पागलों की तरह पीछे पड़ा है इस केस को वापस करवाने के लिए। हम दोनों की लाइफ रुकी हुई है रश्मि, मुझे काम से टाइम निकाल कर लखनऊ कोर्ट आना पड़ता है, मुंबई से फ्लाइट का कॉस्ट तुमको पता है, ऊपर से वक्त की कीमत। और जो कीमत मैंने भरी तुमसे शादी करके, उसे कोई कोर्ट भी भर कर नहीं दे सकता। जो तुमने खुद को पेश किया मेरे सामने और शादी के बाद जो तुम निकले, उस एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड अवार्ड तो मिलना चाहिए तुम्हें। उसके बदले में सूद समेत भरपाई करवाने का प्लान है मेरा। तुम्हारे इंतजार की बर्दाश्त खत्म हो गई। जब तुम यहाँ पर कोर्ट हियरिंग के लिए आए, रश्मि के पास गए और उसे गायब करवा दे, लॉजिक ही लॉजिक। एक तरफा मनगढ़ंत कहानी कभी लॉजिक नहीं होती इंस्पेक्टर। आप रश्मि से मिले तक नहीं, उसका असली चेहरा तो क्या आपको नकली चेहरा भी नहीं पता? तुम्हें तो पता है, तुम बता दो क्या उसका असली चेहरा? असली सोशल वर्कर दूसरों का भला करते हैं, पर रश्मि सोशल वर्क के जरिए सिर्फ अपना भला देखती है। जैसे ही कोई पावरफुल आदमी मिलता, उसके कंधे पर सीढ़ी लगाकर चढ़ने लगती है। सीढ़ी तो तुमने लगाई थी शादी के बाद उसके कंधे पर। अच्छा, आप चश्मदीद गवाह हैं। नहीं आप मुझे बताइए, आप रोज देखने आते थे, लव मैरिज थी हमारी, मेरी तरफ से प्यार भी था, और उसका मकसद सिर्फ कामयाबी। जो तुम्हें मिली नहीं थी? शुक्र है कि उसके रहते नहीं मिली, और जब मिली तो उसको लगा कि इसका भी शिकार किया जा सकता है, आदत है उसकी। कैसा शिकार? क्या आदत है बोलो? पैसा। आप लोगों को दिखा नहीं किस तरह से उसने पैसों के लिए मकान मालिक को रगड़ा? वो मुझसे भी पैसा ही चाहती है। पैसा सबकी लाइफ में ज़रूरी होता है, जैकपॉट सबको चाहिए होता है, पर रश्मि उसके लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है। वो हर बंदे में अपना जैकपॉट ढूंढती है। सोशल वर्कर के नकाब के पीछे आप लोग देख ही नहीं पाए। तो अब तक आपने जितनी भी कहानी रश्मि के बारे में सुनी है, माफ़ करना इंस्पेक्टर, वो पूरी तरह से गलत है। वो औरत पैसे के परे कभी कुछ सोच ही नहीं सकती। हमारी शादी सिर्फ 1 साल की थी रश्मि, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस का तुम्हारा झूठा केस पुलिस को सच्चा लगा, और कोर्ट में भी तुम्हारा पल्ला भारी पड़ा। तुम अपना पल्ला छुड़ा सकते हो, जेब हल्की कर दो फिर पैसा। निखिल जब हम अलग हुए थे तब बात अलग थी, तब मैं 1 लाख में सेटल करने के लिए रेडी थी, पर तुमने कहा नहीं। फिर 3 साल बाद मैंने 2 का ऑफर किया, फिर नहीं। अब तुम 3-4 शोज करते हो, पॉपुलर हो, इनकम भी काफी अच्छी है,
10 लाख से नीचे क्या लूंगी? इनफैक्ट ये भी कम है। अरेंज कर दो, मैं केस वापस ले लूंगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है निखिल, मुझे तुम्हारा पर एपिसोड रेट मालूम है और तुम महीने में कितने एपिसोड्स करते हो वो भी मालूम है, और तुम्हें मालूम है कि मेरी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है। तुमने हमेशा कैलकुलेशन ही किया है, रिश्तों में भी सिर्फ कैलकुलेशन। क्यों की मैंने तुमसे शादी? तुमने शादी एक सीढ़ी के लिए की थी निखिल, मतलब मैं तो मेरा यूज करते हुए मुंबई में अपना करियर बनाना चाहते थे, और जब ऐसा नहीं हुआ तुमने मुझे छोड़ दिया। छोड़े जाने का दर्द बहुत होता है निखिल। मैं उसे 10 लाख दे सकता था सर, लेकिन मैंने उसे कभी टॉर्चर किया ही नहीं, ना ही कभी हाथ उठाया, तो किस बात के पैसे देते? मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है सर, न जाने कितने ऑडिशन में रिजेक्ट हुआ, भूखे पेट सोया, तब जाके इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मेरा पैसा खून पसीने का है सर। अब तुम अपने स्ट्रगल को ढाल बनाकर फिल्मी कहानी सुना रहे हो? कोई फिल्मी कहानी नहीं है सर, यही सच है। हकीकत बयां करने के लिए उसकी पत्नी है नहीं, तो स्टोरी बनती है सिर्फ अजय की। वो जो कहता है उनके बीच जो हुआ वो सच बन जाता है। पुलिस अजय को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती है। वो जानता है कि पुलिस जाहिर तौर पे उस पे शक करेगी, लेकिन अजय पूरी तरह तैयार है। शात्र खिलाड़ी भी है सर, पूरा चांस है कि वो खुद कहीं छुपकर बैठी हो, क्योंकि उसको पता है कि उसके गायब होने से कई लोगों पर शक होगा, और जब शक होगा तो पुलिस उन्हें टटोलेगी, जिससे उनके पुराने पाप भी बाहर आएंगे। उनके इसी डर का फायदा उठाकर वो उनसे पैसे निकलवा रही होगी सर। तुम्हारी बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम एक ऐसी औरत की बात कर रहे हो जो कभी तुम्हारी बीवी रह चुकी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्क्रिप्ट की चालबाज और धोखेबाज औरत के बारे में बात कर रहे हो। हाल फिलहाल में कोई स्क्रिप्ट पढ़ी है क्या? फिल्में जिंदगी का आईना होती हैं सर। एक स्क्रिप्ट में मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि पैसों की खुशबू मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है। पैसा कुछ भी करवा सकता है सर, थोड़ा ड्रामेटिक है पर सच छुपा हुआ है इस लाइन में। 45 लाख कैश थे उसके पास, लेकिन हमने कहीं देखा नहीं है सर। ये तो हमें मकान मालिक जयदेव भल्ला ने बताया, लॉयर आशुतोष ने भी बताया, और विक्रम का भी यही कहना है। निखिल और रश्मि की कहानी भी हमें वकील आशुतोष ने सुनाई, जैसे निखिल ने सुनाई, पर हकीकत क्या है ये देखने के लिए हम कहीं भी मौजूद नहीं थे। सर 45 लाख की खुशबू बहुत तगड़ी होती है, किसी से भी कुछ भी करवा सकती है, जैसे निखिल ने कहा। राइट, मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है। हे गायत्री। निखिल सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा बेबी ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ना ना, हो गया आराम से सब। लेकिन रश्मि है कहाँ? स्क्रिप्ट में ये डायलॉग पुलिस का है तुम्हारा नहीं है, और गर्लफ्रेंड ऐसा सवाल नहीं पूछा करते। सर इस निखिल का मुंबई और लखनऊ का बैकग्राउंड निकलवाती हूँ। मुंबई पुलिस की हेल्प लो। बात शुरू है सर, मुझे लगता है इस एनजीओ के विक्रम से एक बार और क्वेश्चन करना चाहिए। कोई टिप? सर एनजीओ उसका है, लेकिन उसे रश्मि के ऑपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और दूसरी बात, ये ऑफिस में जो चोरी हुई है मुझे लगता है रश्मि के गायब होने से जुड़ी हो सकती है, शायद पहले के किसी केस से रिलेटेड हो। मैं चूड़ी फैक्ट्री के मालिक प्रकाश को कॉल करता हूँ, जिस पर रश्मि ने स्टिंग किया था। तुम निखिल और विक्रम पर लग जाओ। सुप्रिया, क्या तुम्हें लगता है कि रश्मि का मर्डर कर दिया गया है और उसकी लाश कहीं छुपा दी गई है? सर पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो लाश जयदेव भल्ला के मकान नंबर 12 में नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने उस घर का कोना कोना छान मारा है। सर मैं मानना नहीं चाहूंगी कि मर्डर हुआ है, लेकिन उसका हवा हो जाना इतने अच्छे तरीके से प्लान है। डिटेल्स देखिए सर, दरवाजे पे एनवेलप में चाबी और जयदेव भल्ला को वो चिट्ठी, सर फिर वो दो ईमेल्स, एक लॉयर आशुतोष राय को और दूसरा ईमेल बॉस विक्रम सहगल को। पूरा घर खाली करके गायब हुई, लेकिन घर का वाईफाई डिस्कनेक्ट नहीं किया। किसी ने रश्मि को घर में मार दिया, फिर उसी के वाईफाई से, उसी के ईमेल से वो दोनों मेल्स भेजे। गायब हुई है, गायब करवाया है या मर्डर हुआ, लेकिन जो भी हुआ उसके पीछे मुझे एक ही मोटिव लगता है, पैसा। पर क्या वाकई पैसा इस केस का मोटिव था? वो 45 लाख रुपए जो रश्मि को बतौर भरपाई मिले किराए का मकान छोड़ने के लिए, या इस केस का कोई ऐसा पहलू था जिसका साया भी अब तक केस पर पड़ा नहीं? बहुत जल्द एक और राज सामने आया, पर क्या ये सब कुछ चौंकाने वाला था? अबे दरवाजा तोड़े। निलेश, तेरे कानपुर के उस चूड़ी फैक्ट्री के ओनर प्रकाश सेठ की पुलिस इंटरव्यू ले रही है। लेने दीजिए जवाब भाई, एक ताजी वाली सुनो।
इसी केस की टिप है। आपका टिप है भाई? अपना हिस्ट्री चीटर है ना सुरेश मल्ला उर्फ खंबा। ठीक है, कुछ उगल दिया क्या? थे सब उठा लाए बलवीर भाई, चल निकले यहां से। ये बलवीर तो नगर सेवक लक्ष्मण व्यास का खास है ना? भाई जी छह महीने पहले की बात, अब जाने दीजिए ना सर, मेरी फैक्ट्री में अब एक भी बच्चा नहीं है। रश्मि के स्टिंग ऑपरेशन की खबर अगर लीक होकर तुम तक ना पहुंचती तो रेड होने से पहले तुम बच्चों को फैक्ट्री से बाहर ना निकाल पाते, पर इस वक्त तुम जेल के अंदर होते। सुपारी किसे दी, लाश कहां फिकवाई? रुके रुके सर, आप तो कुछ भी बोले चले रहे हैं। कबूल करता हूं, छह महीने पहले मेरी फैक्ट्री में बच्चे थे, कबूल करता हूं। मुझे रश्मि चौधरी वाले स्टिंग ऑपरेशन के बारे में खबर मिली। अब ये मत पूछिएगा कि खबर कैसे मिली। कैसे मिली? जब मुझे खबर मिली तो मेरे आदमियों ने रश्मि चौधरी को फोन लगाया, धमकाने के लिए नहीं, समझाने के लिए। अब सेठ की हार कबूल करो और अपना अमाउंट बोल दो, लेकिन हाँ थोड़ा सोच समझ कर, मुंह उतना ही खोलना जितने में दोनों का फायदा हो। 5 लाख? अरे रश्मि छोटा बिजनेस है, 5 नहीं हो पाएगा, 3 पे डन करते हैं। ठीक है 4। गिल्लो जा रहे हैं, वहीं रुको मैं गिन के आती हूं। कोई धमकी नहीं, कोई मर्डर नहीं, बस 4 लाख में काम हो गया। तुम कह रहे हो कि रश्मि ने तुम पर स्टिंग किया और फिर तुमसे 4 लाख लेकर तुम्हें रेड की टिप दी और रेड होने से पहले तुमने बच्चों को फैक्ट्री से हटा दिया? हाँ, और मैंने अपने कान पकड़ लिए कि आगे से बच्चों को कभी काम पे नहीं रखूंगा, क्योंकि 4 लाख की रकम मेरे लिए बहुत बड़ी होती है। तो 4 लाख वापस लेने के लिए और अपने नुकसान की वजह से तुमने रश्मि चौधरी को मरवा दिया? धंधा करता हूँ सर, रोजाना हर किस्म के लोगों से मुलाकात होती रहती है जो हद से ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं, अब सबको मरवाता फिर सब। छोटा मोटा सीधा साधा धंधा करता हूँ, ये धमकी देना ये मरवाना मेरे बस की बात नहीं है। बकवास है सर ये, रश्मि ने खुद अपने स्टिंग का लीक करवाया और उसके पैसे लिए। सर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। विक्रम सर ये लोग दीदी को ढूंढ नहीं पा रहे, इसलिए सारी अनाप शनाप बातें सामने लाकर दीदी को गलत ठहरा कर उनका नाम खराब करना चाहते हैं। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे, तहकीकात में जो सामने आ रहा है हम वही कह रहे हैं। और सिर्फ प्रकाश सेठ नहीं, तुम्हारी दीदी का सेपरेटेड हस्बैंड निखिल ने खुद हमें बताया कि तुम्हारी दीदी केस वापस लेकर डिवोर्स देने के लिए 10 लाख रुपए मांग रही थी। सर आप एक बार मुंबई जाइए, आपको पता चलेगा कि ये जो निखिल आचार्य है ये एक्ट्रेस गायत्री का बॉयफ्रेंड है, और जब तक मेरी दीदी उसे डिवोर्स नहीं दे देती वो गायत्री से शादी नहीं कर पाएगा। ये बात बताई उसने आपको? नहीं ना सर, दीदी के गायब होने से सबसे ज्यादा फायदा निखिल को हो रहा है, वो शादी कर पाएगा। अब बोलिए, निखिल एक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग भी सीरियल के ऑडियंस के जैसे उसकी एक्टिंग को सच्चाई समझ लेंगे। इस निखिल के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो लॉयर है आशुतोष, बहुत बड़ी, वो सेपरेटेड हस्बैंड का नाम ले रही है और तुम लॉयर का? सर जयदेव जी ने मुझे 45 लाख दिए, डील मैंने कराई। ओके, फिर मेरे पहुंचने से पहले आशुतोष रश्मि को 25 लाख के लिए क्यों मनवा रहा था? तुम अच्छी डील कर लेते हो शायद, लेकिन इससे आशुतोष मुजरिम नहीं बन जाता। पर सर जिस तरह से रश्मि गायब हुई है, फिर मेरे पास और लॉयर के पास ईमेल्स आते हैं, जयदेव जी के पास लेटर आते हैं, तीनों ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोर्ट में सबूत माने जाएंगे कि रश्मि ने भेजे हैं। 3 लीगल डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट में माने जाने वाले सबूत, सब यही प्रूफ करने के लिए कि रश्मि खुद कहीं गई है। और यही थ्योरी निखिल भी सामने रख रहा है, तो ये लॉयर और पति क्या ये मिले हुए नहीं हो सकते? एक्सक्यूज मी सर, सर एक मिनट। सर विक्रम के एनजीओ ऑफिस में जो चोरी हुई थी वो पेन ड्राइव्स के लिए हुई थी। कौन से केस के पेन ड्राइव्स? प्रकाश सेठ के या कोई और? सर केस के बारे में तो पता नहीं, लेकिन
जावेद खबरी ने बताया कि पेनड्राइव्स की चोरी एक्स नगर सेवक लक्ष्मण व्यास के किसी खास आदमी बलवीर ने करवाई। रश्मि ने एक्स नगर सेवक लक्ष्मण व्यास पर भी स्ट्रिंग किया था। इन पेनड्राइव्स में उसकी तस्वीरें और वीडियोस हो सकते हैं। तुम्हारी थ्योरी में दम तो है निखिल और इस एडवोकेट आशुतोष की मिली भगत। शायद आशुतोष को रश्मि से पैसे चाहिए थे और इस निखिल को छुटकारा। सर दूसरी खबर मुंबई से। निखिल पटेल सर मुंबई पुलिस की खबरी का कांटेक्ट है जीवन के सफर में मतलब। हाँ वो उसके शूटिंग के सेट पर। भाई इसमें मेरा नाम नहीं आएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी यार। अरे नहीं आएगा यार, तू बोला चक्कर है निखिल और उस हीरोइन गायत्री का। ये रश्मि को गायब करने में कोई हाथ है क्या? इतना तो नहीं मालूम, लेकिन भाई वो अपने डायरेक्टर है ना आशीष भाई, वो एक वेब सीरीज बना रहे परफेक्ट मर्डर अ मिस्ट्री नाम, फुल फाड़ स्टोरी है। स्टोरी बाद में सुना, पहले काम की बात बोल। काम की बात बोल रहा हूँ भाई, वो वेब सीरीज के स्टोरी में हीरो अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है। निखिल ने जब स्टोरी पहली बार सुनी थी ना तो उसने बोला कि ये मैरिज लाइफ की स्टोरी है, इसको मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इस केस के घोड़े कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं। रश्मि ने लक्ष्मण व्यास पर कैस्टिंग किया होगा और ये निखिल किसी स्क्रिप्ट की कहानी असली जिंदगी में जी रहा है। सारे आइडियाज उसको वहीं से आ रहे हैं क्या? क्या यार निखिल, तूने बोला तो तू करेगा, स्टोरी तेरे लिए लिखी गई है। आई एम सॉरी आशीष, ये स्टोरी मेरी लाइफ के बहुत करीब लग रही है, मुझसे नहीं हो पाएगा यार। ठीक है, तुझसे जबरदस्ती एक्टिंग तो नहीं करवा सकता ना। चल निकलता हूँ, बाय। और हाँ निखिल यार, मैंने दिन रात एक करके ये स्क्रिप्ट लिखी, बहुत मेहनत किया है, तो प्लीज किसी के साथ शेयर मत करना, अपने तक रखना। पागल है क्या आशीष, तेरी कहानी है, मुझे थोड़ी याद रहेगी, तो टेंशन मत ले। ठीक निकलता हूँ, चल बाय। क्या एक फिल्म की कहानी की तरह परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने के बाद परफेक्ट तरीके से सुराग मिटाए गए? केस में अब कई संदिग्ध थे और कई मोटिव्स भी। एक तरफ निखिल था जो गायत्री से शादी करने के लिए रश्मि से पीछा छुड़ाना चाहता था, दूसरी तरफ थी एक अजीब सी चोरी जिसमें 8 पेन ड्राइव चुराए गए थे जिनमें शायद रश्मि द्वारा किए गए किसी स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज थी और शायद रश्मि उससे पैसा कमाने के चक्कर में थी। रश्मि का पैसों का लालच इस केस में एक से ज्यादा बार उठकर आया था। क्या पैसों की खुशबू रश्मि से कुछ भी करवा रही थी? मुश्किल केस था क्रैक करने के लिए और रश्मि अपनी सच्चाई बोलने के लिए सामने नहीं थी, पर क्या वो थी भी या फिर पैसों की खुशबू एक मुर्दे को जिंदा रख रही थी? समय लगा पर आखिरकार ये केस हल हुआ। कैसे हुआ ये हम जानेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।